नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। आज से 7 साल पहले 2012 में दरिंदगी भरा एक कांड हुआ, निर्भया कांड के नाम से, जिसको हम जानते हैं। लेकिन आज तक 7 साल बाद भी सन 2019 में आज तक पीड़िता और देश की जनता उस निर्भया कांड के जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलने का इंतज़ार कर रही है और पीड़िता को इंसाफ मिले इसका इंतज़ार जनता और पीड़िता आज तक कर रही हैं। लेकिन अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिल पाया है। अब जाके उम्मीद बंधी है कि पीड़िता को इंसाफ मिलने वाला है, क्योंकि अगर हम तिहाड़ जेल की गतिविधियों पर नज़र डालें तो लगता है कि पीड़िता को जल्द ही इंसाफ मिल सकता है, क्योंकि तिहाड़ जेल में जो गतिविधियां हैं वो तेज़ हो चुकी हैं और जो डीजी उत्तर प्रदेश जेल हैं उन्होंने साफ कर दिया है, उन्होंने बताया है कि उनसे 2 जल्लादों की मांग की गई है। साथ साथ अगर बात की जाए बक्सर जेल की, तो वहां से भी फांसी का फंदा तैयार हो चुका है और वो फांसी का फंदा तिहाड़ जेल में लाया जा रहा है। तिहाड़ जेल के अंदर ही चारों के कैदियों को एक ही सेल में रखा गया है और उनकी निगरानी के लिए 8 सदस्यों की टीम गठित की गई है। वो हमेशा डॉक्टर की निगरानी में रहते हैं, यहाँ तक कि उन चारों आरोपियों को बाथरूम तक अकेले नहीं जाने दिया जाता है। बाथरूम जब वो जाते हैं उस समय भी कोई ना कोई उनके साथ रहता है, तो इतनी कड़ी निगरानी में उनको रखा जा रहा है। और अब क्योंकि अभी तक राष्ट्रपति से जो दया याचिका है उस पर अंतिम फैसला नहीं आ पाया है, अंतिम फैसला आते ही इंतज़ार हो रहा है कि जल्द से जल्द उनको फांसी दे दी जाएगी। अब सिर्फ इंतज़ार इसी बात का है कि कब अंतिम फैसला आता है और बुलाए गए जल्लाद कब उनको फांसी पर लटकाते हैं। अगर निर्भया की मां की हम बात करें तो निर्भया की मां कह चुकी है कि 16 दिसंबर जिस दिन इस कांड को, इस कुकृत्य को, इस दरिंदगी को अंजाम दिया गया था, उसी दिन निर्भया के दोषियों को सजा दी जाए, उन्हें फांसी पर लटकाया जाए, ये उनके लिए सबसे बड़ा इंसाफ होगा। जेल की तैयारियां पूरी हैं, 2 जल्लाद मंगाए जा चुके हैं और बक्सर से उनके लिए फांसी का फंदा भी तैयार हो चुका है। बताया जा रहा है कि जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, वो पिछले कई दिनों से खाना तक नहीं खा रहे हैं और आज उनकी पेशी भी होने वाली है, जो कि उनकी अंतिम पेशी होगी और जिसमें कि फैसला होगा कि कब उनको फांसी दी जानी है। आज ये डिक्लेयर हो जाएगा कि उनको इस तारीख को फांसी दे दी जाएगी, तो जल्द से जल्द उनको फांसी दी जा सकती है। लेकिन ये सिर्फ एक घटना की बात नहीं है, उसके बाद से हमने देखा कि हैदराबाद में कैसे प्रियंका रेड्डी केस हुआ, कैसे प्रियंका रेड्डी के साथ जो बर्बरता है वो हुई, और उसके बाद उन्नाव केस हुआ, उसके बाद बहुत से ऐसे ही जो दरिंदगी भरे केसेस हैं वो सामने आ चुके हैं। उनके लिए भी जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 7 साल किसी भी केस के लिए बहुत लंबा एक टाइम होता है, बहुत बड़ा टाइम पीरियड ये है। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं उनके तहत जल्दी से जल्दी इन सभी दोषियों को
सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर संविधान पे, अगर कानून पे लोगों का विश्वास बनाए रखना है तो कानून में कुछ बदलाव ज़रूरी हैं, और जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों को फांसी हो या उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, तब हो सकता है कि ये केस थोड़ा सा कम हो, क्योंकि ऐसी सज़ा उनको मिलनी चाहिए जिससे कि उनके अंदर खौफ पैदा हो। ऐसे जो कुकृत्य करने वाले हैं उनके अंदर जब खौफ पैदा होगा, उसके बाद ऐसे कुकृत्यों में, ऐसे जो बलात्कारी हैं उनके अंदर वो खौफ पैदा होगा और उनके अंदर डर बनेगा, ऐसे काम करने से वो बचेंगे। लेकिन साथ साथ परिवार की, माँ बाप की और अध्यापकों की भी ये जिम्मेवारी है कि वो बच्चों को ऐसे संस्कार दें ताकि वो ऐसे कुकृत्यों में शामिल ना हों। ज़्यादातर देखने में आया है कि ये वो लोग होते हैं जिनको कि कहीं ना कहीं संस्कारों में कमी ज़रूर रह जाती है, वो ऐसे लोग हैं जो इन कुकृत्यों के लिए सामने आते हैं और जिनका नाम इन कुकृत्यों में आता है। लेकिन अगर संस्कार अच्छे होंगे तो ऐसे कुकृत्यों को रोका जा सकता है। हम आगे ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो आगे लेकर भी आते रहेंगे, और बेल आइकॉन पर दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी के ज़रिए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारी वीडियो का आएगा। आगे की वीडियो के लिए धन्यवाद।